सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि अब जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं, तब जब क्या होता है, आप रास्ते में जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको लेफ़्ट और राइट और हर तरीके से आपको जजमेंट लेने में एक थोड़ा सा समय लगता है, एक टाइम लगता है। तो हम आपको पूरा इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे सब कुछ और कर के दिखाएंगे कि आपको गाड़ी किस तरीके से आपको इजीली आप अच्छे से ओवरटेकिंग करें या कहाँ रोकना है, कैसे क्या। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि अभी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब जैसे कि मेरे आगे ट्रैफिक चल रहा है, आप जैसा कि देख ही रहे हैं, और लेफ्ट साइड से भी आप देखिए काफ़ी लोग निकल रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है कि जो हमारा लेफ्ट साइड से अगर कोई बंदा निकल भी रहा है तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट का जो मिरर है हम उसको देखते हुए और बराबर वाले को भी देखते हुए उसमें एक उचित दूरी बना करके हम गैप मेंटेन करके उसको गाड़ी को आराम से निकालेंगे। अब जैसे अगर गाड़ी हमारी नहीं निकल रही तो हम ब्रेक डाउन कर लेंगे और गाड़ी को स्लो करेंगे और मौका मिलते ही हम एक्सीलेटर फिर से देंगे और हम गाड़ी को तेज़ी से निकालेंगे। तो इस तरीके से आप गाड़ी को तेज़ी से निकाल करके आप अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। और फिर जैसा कि आपकी रास्ता नॉर्मल है तो आप गियर को क्लच दबा करके गियर शिफ्ट करके आप उसको आप आगे और बढ़ाइएगा गाड़ी की स्पीड को। तो जैसा कि अभी मेरी गाड़ी 40 पर आ चुकी है और 40 पे आने के बाद अब जैसा कि मैं सामने देख रहा हूँ तो ट्रैफिक थोड़ा बहुत है, और तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने से जैसे ट्रैफिक आ ही रहा है और मैं अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ट्रैफिक को मेंटेन करते हुए चला रहा हूँ। और आपको जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी इसमें, बिल्कुल आपको आराम से चलाना है। तो अब जैसा कि मैं राइट टर्न लूँगा तो मैंने इंडिकेटर ले लिया राइट के लिए, और अब बिल्कुल आराम से देखिए स्लो करके गियर को डाउन करके सेकंड गियर में मैंने अपनी गाड़ी ले ली। अब राइट टर्न करते हुए अपने स्टेरिंग को हल्के से आराम से काटते हुए मैं अपनी सारी पोजिशन देखते हुए लेफ्ट और राइट को देखते हुए जजमेंट करते हुए अपनी गाड़ी को धीमे से बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से ही आपको मेंटेन करना है आपको इस चीज़ को। अब जैसे कि सामने से आपको देख रहे हैं कि ट्रैफिक आ ही रहा है और ट्रैफिक को अब क्या करना है कि जैसे ट्रक आ रहा है बड़ा सा, आप गाड़ी स्लो कर लीजिए, हल्के से लेफ्ट टर्न कर लीजिए, बिल्कुल आहिस्ता और इत्मीनान के साथ आपको गाड़ी को काट लेना और फिर सीधे चलाइएगा। तो इससे क्या आपकी जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल आसान हो जाती हैं, डिफ़िकल्टी कम हो जाती है। तो आपको क्या ड्राइविंग क्या होता है, एक तरीके से ड्राइविंग एक नॉलेज वाली चीज़ है, आपको एक्सपीरियंस के साथ आती है और सीखने वाली चीज़ है। मतलब आप इसको पढ़ नहीं सकते और किसी मतलब किसी के बताने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप ड्राइव को खुद अपने एंजॉय करिए और अपना जो एक्सपीरियंस है धीमे धीमे बढ़ाइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।